हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शिकायतें जो कस्टमर्स की तरफ से आती हैं, जो रिव्यूज़ आते हैं उस पर काम करना हमारा काम है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग पिसे मसाले का काम कर रहे हैं और आप लोगों को एक पल्वराइज़र चाहिए जो कि सस्ता हो और अच्छा हो, तो सस्ते के चक्कर में कभी अच्छा नहीं मिल पाता, कभी अच्छा मिल जाता है। जैसे मैंने आपको एक मिक्सर ग्राइंडर दिखाया था, उसके अंदर हल्दी हो या पत्थर हो या कुछ भी हो, बिल्कुल पीस के एकदम फाइन पाउडर बना देता था। अब ज़रूरी नहीं कि वैसे ही आपको हर चीज़ में क्वालिटी मिल जाए, तो इसी चीज़ पे आज बात करने आया हूँ आप लोग के सामने। देखिए, हमारे पास ये जो पल्वराइज़र है, ये 2 HP का पल्वराइज़र है, ये मैंने एक जगह दिया था। अब वहाँ पे क्या दिक्कत आई, जब उन्होंने हल्दी इसके अंदर पीसनी चाही कि हल्दी की पिसाई करते हैं, तो वो हल्दी तो पिसा नहीं, लेकिन ये खुद पिस गया। इसके अंदर जो हैमर होता है वो टूट गया। क्या होता है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, पहले सबसे पहले तो अगर आप लोग इसको असेंबल करना है तो ये अलग से आता है, ये ऐसे निकल जाता है। इसको आप इसको यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है, ऐसे लॉक फिक्स करिए, ऐसे लगा सकते हैं आप। हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी आपकी पिसाई करनी है, ये जाली आता है। ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, इसके अंदर हैमर लगा होता है, वो टूट गया जो इसकी पिसाई करता है। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए आप। ये जितने भी साइज़ का हम इसके अंदर जाली लगाते हैं, अब आप बोलोगे जाली कैसे पिसाई करता है, ये जाली पिसाई नहीं करता है, इसके अंदर जो हैमर होता है वो पिसाई करता है, लेकिन ये जाली जितने साइज का आप रखोगे उतने ही साइज का पाउडर नीचे गिरने लग जाता है। अगर आप लोगों को मिर्ची पीसना है, हल्दी पीसना है, जो भी पीसना है, अब जैसे ये है, तो इसके हिसाब से जैसे ही इस साइज़ का आपका पिसाई हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा, तो आपको लगता है कि ये जाली काम करती है। जाली सिर्फ आपके पाउडर को जितना फाइन पाउडर बनाना चाहते हैं उतना नीचे ड्रॉप करती है। ये देखिए आप, इसका साइज़ देखिए अलग अलग है। तो अगर आपको हल्दी की पिसाई करनी है तो ये पल्वराइज़र आप मत खरीदिएगा, क्योंकि ये टूट जाती है, इतना इसके अंदर पावर है नहीं, क्योंकि हल्दी बहुत हार्ड होता है। या तो उसको आप चूरा करके डालिए, अगर बिल्कुल खड़ा खड़ा आप डालोगे ये झेल नहीं पाएगा। अगर आप, अब देखिए थोड़ा सा और आप लोग को समझा देता हूँ कि असेंबल कैसे होता है, क्योंकि कई बार आप लोगों के पास जाता है तो आप लोग को दिक्कत होती है। ये कपड़ा आपको अलग से मिलेगा, ये इसका जो बाल्टी है ये अलग से मिलेगा आपको, ये ऐसे खोल सकते हैं आप, खोल के इसको ऐसे निकाल लीजिए। इसमें रबड़ लगी हुई है ऊपर और नीचे, लग गया। अब इसको ऐसे ऊपर से लगा दीजिए और लॉक कर दीजिए ऐसे, यहाँ रखिए ऐसे और इसमें लगा दीजिए, ताकि जब हम पिसाई करें तो इधर उधर उड़े ना आपका। तो इसके साथ 4-5 जालियाँ आती हैं, इसके अंदर आप मिर्ची पीस सकते हैं, धनिया पीस सकते हैं, जीरा, ये सब आइटम बहुत आसानी से पीस सकते हैं। लेकिन हल्दी की पिसाई करनी है तो इससे थोड़ा हायर वाला लीजिए, 5 HP का, 10 HP का, ताकि ईजिली आपका काम हो, काम रुके ना। तो आई होप आप लोग के समझ में आया हो कि इस पल्वराइज़र के साथ अगर आप लोग को जाना है तो सिर्फ दूसरे मसाला, हल्दी भी पीसना है तो आप उसको टुकड़े करिए, पहले छोटे छोटे टुकड़े करिए ताकि ये लोड ले ले। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।